सभी को विशाल जी अभी तो नहीं कर रहा है देखिए। हाँ फैजल साहब अच्छे हैं, आप बताइए आप लोग। बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे हैं तो। हाँ घड़ी खम्बा, घड़ी खम्बा, खम्बा घड़ी क्या बोलते हैं, है ना, राजस्थानी लग रहा है। रामेश्वरी जी राजस्थान से हैं, ये इंडियन कल्चर है ना। नहीं इंटरनल सिक्योरिटी हम नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ इंटरनल सिक्योरिटी में भी कोई और लेगा, और एथिक्स आप लोगों की मेरे साथ चलेगी। जोहार। थैंक यू विवेक जी। बस ये जैसे इसे कंटिन्यू होगा तो ये वाला क्लास आपका खत्म होगा, सोसाइटीज के बाद सीधे हम लोग एथिक्स शुरू करेंगे और एथिक्स फिर चलता रहेगा। हाँ जी अनुराधा जी मैं ही लूंगा। थैंक यू, थैंक्स आप सभी को। थैंक यू गौरव जी। बस मे भी मुझे लग रहा है, थैंक यू नीतीश जी, आप सभी लोग जितने लोग आप लोगों का जो विशेष आ रहा है, आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल आप लोगों के लिए। मे भी शायद ये क्लास आज देखते हैं क्या है, तो मंडे या ट्यूसडे ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद या तो ट्यूसडे ट्यूसडे से या फिर वेनेसडे से है ना हम लोग एथिक्स शुरू करेंगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं भी सोच रहा हूँ टाइम मॉर्निंग में हो जाए, क्योंकि शाम को आप लोगों को भूख लग जाती है, लेकिन मॉर्निंग में भी ठंडी आ रही है तो फिर एक दिक्कत होती है कि उठने वाली प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ कि मे बी अगर ये मॉर्निंग हो जाएगा तो बेटर होगा, है ना। लेकिन शायद 9 बजे आप लोगों का क्लास उसका साइंस टेक का रहता है, साइंस टेक कितने बजे रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं यही टाइम ठीक है। हाँ 9 से 11 रहता है ना, शाम को ही ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं शाम को ठीक है और कुछ लोग बोल रहे हैं मॉर्निंग में ठीक है। देखते हैं क्या शेड्यूल उधर से मिलता है, ये टाइम मिलता है या कोई और स्लॉट मिलता है। जो भी मिलेगा आप लोगों को इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अपने हाँ 2 से 4 देखूंगा मैं, 2 से 4 अगर होगा, क्योंकि इकोनॉमी आप लोगों की जैसे ही खत्म होती है तो 2 से 4 भी ठीक है। तक हम लोग देखेंगे, इसी स्लॉट पे चलेंगे, 7 से 9 और इकोनॉमी के साथ हम लोग देखेंगे, हो सकता है। ठीक है चलिए, अब इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या स्लॉट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं, 4 क्लासेस चल रही हैं तो सबका अलग अलग एक स्लॉट है, उसमें हम लोगों को क्या मिलता है, कैसे कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा। सिमरन जी कोर्स देखिए 2 घंटे में जो आपका
जो टाइमिंग है 2-2 घंटे, और वो भी वीकली चलता है 5 दिन, ठीक है, 5 दिन के हिसाब से 10 घंटा एक वीक में पूरा हो रहा है, तो और बीच बीच में जो छुट्टियां भी हो जाती हैं गैप, तो कैसे कब तक पूरा होगा इस पे आप थोड़ा ध्यान अभी मत दीजिए, बस कवर हो रहा है पूरा करिए अभी, तो कैसे भी आदमी चीजों तक अपनी पहुंच बना रहा है ना। बस ये है कि आप स्टार्ट करते हैं, जिसका आगाज होता है अंजाम भी उसका निश्चित है ना, तो आगाज आपने किया है अंजाम होगा, ठीक है। सब एक दिन धीरे धीरे, उस दिन वो भी दिन आएगा जिस दिन सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी आगाज है, धीरे धीरे अंजाम आएगा, ये सिलेबस खत्म होगा, आप तैयारी करेंगे, एक दिन वो भी आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, एक दिन ट्रेनिंग में जाएंगे और पता चलेगा प्रमोशन भी होगा, फाइनली रिटायरमेंट भी आएगा, सब कुछ होगा समय के साथ। कल हम लोग सांप्रदायिकता देख रहे थे। हाँ बिल्कुल, कल हम लोग सांप्रदायिकता देखे थे, और बिल्कुल देखिए, मैं शुरू में बोला था आप लोगों को धैर्य, तीन चीजें बताया था ना, फ्रस्ट्रेशन आती है इसमें बिल्कुल, कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो लगता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बड़ी दुविधा आती है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, मुझे तैयारी करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए, मतलब बहुत सारे टेंशन होते हैं, ये केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं है, है ना, ये लगभग जो सुनिए जो लगे लगा है, जो मन से लगा है, जिसको करना है उसी के सामने समस्या भी आती है, और जिसको नहीं करना है उसके सामने तो कोई समस्या है ही नहीं, उसको कुछ फील थोड़ी होगा कि क्या कठिनाई है क्या नहीं है, है ना। तो निश्चित अगर ये समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बार बार ये चीजें लग रही कि हम कर पाए या नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप सही दिशा में हैं, ठीक, क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं तभी आप ये सोच रहे हैं, तो इसका मतलब दिशा आपकी क्या है, सही है। और जो ये सोच रहा है कि नहीं कोई समस्या नहीं कुछ भी नहीं सब तो हो जाए इजली, तो उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कि जिसको वास्तव में समस्या नहीं है और चल रहा है आगे, और एक होते हैं कि जिनको समस्या समस्या है लेकिन उस समस्या को समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इतना हम बता रहे हैं आपसे, जितना हम लोग का एक्सपीरियंस है और जितना हम लोग अभी तक जानते हैं, उसमें ये चीज है कि जो तैयारी कर रहा है, जो मन से लगा है, ठीक है, जो अचीव करना चाह रहा है, उसके सामने निश्चित रूप से समस्या आनी है, चाहे जो कर ले, कितना भी ब्रिलियंट होगा, कितना भी उसका मतलब कुछ भी हो, सब जान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके सामने समस्या आएगी, डर भी होगा और हालात भी उसके क्या कभी गवाही देंगे कभी नहीं देंगे, सब कुछ है ना। तो इसके लिए घबराना नहीं है आपको, बस धैर्य बना करके, मैंने आपको याद होगा तीन सूत्र बताए थे आप लोगों को स्टार्टिंग में, है ना, एक धैर्य रखना है उसमें, ये भी बताया था, सिलेबस के साथ चलना है, धैर्य बना के रखना है, और प्रयास आपको लगातार करते रहना है, ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़े, तीसरे दिन गायब, चौथे दिन गायब, फिर 5वें दिन आ गए, फिर 6ठे दिन गायब, 7वें दिन गायब, या 1 महीना पढ़े, 4 महीना गायब, तो ऐसे नहीं करना है ना। आप 1-2 साल जो आपके पास है अच्छे से उसको दे लीजिए, उसके बाद जो करना है आपको, ठीक है, फिर आप समय निकालिए, लेकिन कम से कम अभी अगर आप यहाँ आए हैं, आपको तैयारी करनी है, तो जो भी आपके जीवन का 1-2 साल है, कम से कम 2 साल आप ढंग से दे दीजिए, उसके बाद फिर आपको जो करना है वो करिए, सब चीजों के लिए समय मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ किसी चीज को स्थान अभी मत दीजिए, निश्चित मैं बता रहा हूं कि अच्छा ही होगा, है ना, निश्चित रूप से बता रहा हूं अच्छा होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से बता रहा हूं मैं कि अच्छा होगा। हाँ टोटल सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन समझ 8 8 घंटे आप क्लास में ही लग जाता है उसका रिवीजन करना, लेकिन ये भी है जहां तक मुझे लगता है कि अगर एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं 2 घंटे में, और जो नोट्स हम लोग बनवाते हैं, तो उस नोट्स को अगर रिवाइज किया जाए तो मुझे लगता है 10 से 15 मिनट लगता है पूरा नोट्स पढ़ने में, एक बार 10 से 15 मिनट लगता है, बहुत अगर इजिली मतलब स्लो पढ़ रहा है कोई तो आधे घंटे, है ना, आधे घंटे लगेगा। तो 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा, तो 8 अगर आप दे रहे हैं उसके साथ 2 घंटा आपको देना है, तब 10 घंटे में आपका वो 8 घंटा क्या होगा, उसका यूज है,
अगर आप 2 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो 8 घंटा भी आपका नुकसान कर जाएगा। ठीक है। बिल्कुल, रिटर्न प्रैक्टिस करना है, आप रिवीजन करते रहिए, उसी में से क्वेश्चन देखिए। हम लोग चाहे जो करें कि हमारी, हमको ये दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत होती है, लोगों को दिक्कत भी होती है, परेशानियां भी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यही 24 घंटा है, इसके बाहर कोई समय नहीं आने वाला है। इसी में ही आपको मेहनत करना है, इसी में बनना है, ठीक है, और इसी में सब करते हैं। हाँ, कुछ लोग आंसर करके मुझे भेजे, मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, अभी देख नहीं पाया हूँ, मैं जैसे टाइम मुझे मिलेगा तो मैं चेक करके आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, आज मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, आंसर, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं, मैं जैसे ही टाइम मिलता है मैं चेक करके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल होगा संदीप राज जी, बिल्कुल, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, बट ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आप सबकी समस्या ध्यान में रखी जाएगी। बिल्कुल। ठीक है ना, प्रॉब्लम होगी, घबराइए नहीं, हम लोगों को भी प्रॉब्लम होती थी, और इवन जितने लोग सिलेक्टेड है ना, सबको प्रॉब्लम होती है, कोई कहीं से सीख के नहीं आता है, सब यही मेहनत करते हैं और इंसान है, सब सीखते हैं, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत, हाँ थोड़ा भय होता है, वो भय जायज है, ठीक है, साइकोलॉजिकल ये चीजें सबके साथ होती है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मंजिल पे निकल पड़े हैं तो फिर अब रास्ते में जो भी कठिनाइयां हैं उसको डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, चलिए, कल हम लोग सांप्रदायिकता देख रहे थे, सांप्रदायिकता मुझे लगता है कि जो रिवीजन किए होंगे या आप लोगों में जिसने भी पढ़ने की कोशिश की होगी, कोई क्वेश्चन है या नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन आया नहीं मेरे पास, ठीक, किसी का कोई क्वेश्चन आया नहीं तो मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग डाउट क्लियर है, और जो भी रेफरेंस आपको लेना है आप ले सकते हैं इधर उधर से। ठीक है, सारे पहलुओं को हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी, तो अभी आपका जो टॉपिक बच रहा है, एक सोशल एम्पावरमेंट में से अभी एक आपका जो बच रहा है वो है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, सेकुलरिज्म जिसको बोलते हैं, और इसके बाद सोशल एम्पावरमेंट बचेगा। ठीक, तो ठीक है, हेडिंग डालिए धर्म निरपेक्षता। हाँ, विकल्प है, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नहीं है तो फोन करके आप पूछ सकते हैं। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? एक धर्मनिरपेक्षता है और एक धर्मनिरपेक्षतावाद, सेक्युलरिज्म। ठीक, धर्मनिरपेक्षता होता क्या है? वास्तविक अर्थ क्या है धर्मनिरपेक्षता का? तो शायद सबके दिमाग में यही होता है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी धर्म को न मानना, है ना, सामान्य रूप से मुझे लगता है कि दिमाग में सबके यही सारे क्वेश्चन, जैसे धर्मनिरपेक्षता होता है, आता है क्वेश्चन, तो ये लगता है कि किसी धर्म को ना मानना ही क्या है, धर्मनिरपेक्षता, है ना, किसी धर्म को ना मानना धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन ये सही नहीं है। सभी धर्म को समान मानना ये धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक, और
सभी धर्म को इक्वल वैल्यू देना, ठीक, रिस्पेक्ट देना, ठीक है ना। देखिए, जो भारत में धर्म निरपेक्षता रखा गया है और जो पश्चिम में धर्म निरपेक्षता है, दोनों की जब परिभाषा हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा है धर्म निरपेक्षता को लेकर के। अभी हम थोड़ा सा हम लोग पहले आगे देख लें, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि धर्म निरपेक्षता का मतलब पश्चिम में, ठीक है, कुछ अलग तरीके से परिभाषित है, और भारत में जो है उसकी परिभाषा जो संवैधानिक आधार पे है वो अलग है। यहां धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है, राज्य की ओर से है ना, राज्य की प्रतिबद्धता है, व्यक्ति की नहीं, राज्य की प्रतिबद्धता है, और राज्य की प्रतिबद्धता को व्यक्ति स्वीकार करता है। यानी जो धर्म निरपेक्षता भारत में अपनाया गया है वो राज्य की, ठीक है, प्रतिबद्धता है, उसका एक अंग है कि वो उसकी जो नीतियां होंगी, उसके जो कार्य होंगे, उसकी जो व्यवस्थाएं होंगी, उसमें धर्म निरपेक्षता होगा, यानी किसी भी धर्म के पक्ष में ना होकर के बल्कि सभी धर्मों के लिए समान होगा, ठीक। ये भारत में है कि राज्य की जो नीतियां हैं, राज्य की जो विशेषताएं व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो धर्म राज्य, ठीक है, हाँ, ठीक, यही कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म से प्रेरित नहीं होगा बल्कि सभी धर्मों से स्वतंत्र और सभी धर्मों के साथ अपनी नीति निर्माण में या नीतियों के निर्माण में, कार्यक्रमों के संचालन में, किसी व्यवस्था के संचालन में, हर जगह किसी भी धर्म का पक्ष ना लेकर के बल्कि सारे धर्मों से स्वतंत्र होगा, और अगर मानेगा भी तो सारे धर्मों के लिए समान है ना, कोई भी नीति तो सारे धर्मों के लिए समान होगा। यह है कहाँ का, भारत का। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में धर्म निरपेक्षता का मतलब धर्म निरपेक्ष, किसी भी तरीके का सरकार द्वारा कोई भी प्रयास नहीं होगा, है ना, सरकार, न्यायिक व्यवस्था, कहीं से भी इसके लिए कोई कदम नहीं, यानी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। व्यक्तिगत जीवन में होगा लेकिन जो राज्य का जीवन है उसमें कहीं भी धर्म की बात नहीं होगी, उससे पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। आगे भी हम इसको और डिराइव करेंगे, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि आखिर धर्म निरपेक्षता आया कहां से, धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक धर्म निरपेक्षता निरपेक्षता है, ये जो अपनाया गया है या जिसको बस उठा करके अपने यहाँ लागू कर दिया जाता है, लोग इसको लागू कर देते हैं, वो क्या है, और वास्तविक में धर्म निरपेक्षता क्या होता है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो हम अभी मूल पे चलते हैं, इंग्लैंड के एक विचारक है, जिनका नाम है, नाम था जॉर्ज जैकब हल्योक, ठीक, ये इंग्लैंड के एक विचारक, सुन लीजिए, अभी मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा आपको, ठीक है। इंग्लैंड के विचारक थे जॉर्ज जैकब हल्योक, जिन्होंने धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को यानी धर्म निरपेक्षतावाद को प्रतिपादित किया, यानी इसके प्रमुख प्रणेता अगर कहा जाए तो यही है, ठीक है, जो इस शब्द को लेकर के आए या इस विचारधारा को लोगों के सामने लाने का काम किया। और इनका मानना क्या है कि ईश्वर तथा अन्य अलौकिक शक्तियों का ही निषेध, यानी किसी ईश्वर, इनका मानना क्या है कि ईश्वर या किसी अन्य जो अलौकिक शक्तियां हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, ठीक है, इनका ही निषेध, अगर इनका निषेध कर दिया जाए, निषेध मतलब इनको माना ही ना जाए, तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है, धर्म निरपेक्षतावाद, ठीक है। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी ईश्वर या कोई अलौकिक, अलौकिक मतलब क्या है, जो इहलौकिक, अलौकिक या पारलौकिक, जो ऐसा लोक जो हमारे दृष्टि से परे है, ठीक है, ऐसा लोक जो हमारी दृष्टि से हमारे सामने नहीं है, हमारे
दिखावे से जो परे, जिसको हम देख नहीं पाते, अलौकिक, जिसमें मानते हैं ईश्वर का निवास होता है, तो कोई ऐसी अलौकिक शक्ति या ईश्वर में आस्था या विश्वास न रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। यह किसने कहा? हल्योक ने। और इसी को, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर ईश्वर या अलौकिक शक्ति में हम विश्वास नहीं रख रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीवन से हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिकता, ये समाप्त हो जाए। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है। अलौकिक शक्ति और ईश्वर में विश्वास ना करना, तो नैतिकता से क्या तात्पर्य है? यहां पे जब भी हम धर्म की बात करते हैं, जब भी हम धर्म की बात करते हैं, तो ये मानते हैं कि जो नैतिकता है वो कहां से? हमारे धर्म से ही है ना। हमारी नैतिकता कौन देता है? धर्म, संस्कृति देती है, और संस्कृत में ही नैतिकता होती है। ठीक, यही मानते हैं ना कि हमारे, हम कहते हैं पैर छूना, ये नैतिकता क्या है हमारा? किसी का पैर छूना, किसी का सम्मान करना, तो इसको कहां से जोड़ लेते हैं? धर्म से, कि धर्म से ही कहा जाता है ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ईश्वर में या अलौकिक शक्ति का निषेध कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि नैतिकता भी खत्म कर दे जीवन से, है ना। किसी का सम्मान ना करें, किसी की के लिए हमारे मन में भाईचारा ना हो, सौहार्द ना हो, प्रेम ना हो, है ना। ये सारी चीजें जो नैतिकता है, जो हमारे समाज की नैतिकता है, जो नैतिक मूल्य है, मानवीय गुण जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपने जीवन से ईश्वर या अलौकिक शक्तियों का निषेध करते हैं तो नैतिकता खत्म हो जाएगी। यानी धर्मनिरपेक्षतावाद वो है कि जिसमें ईश्वर या अलौकिक शक्तियों का निषेध करते हुए भी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखना, अगर हम बनाए रखते हैं, तो वास्तविकता में धर्मनिरपेक्षता वही है। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखिए। ठीक, हल्योक ने माना कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर या पारलौकिक या अलौकिक शक्तियों का निषेध करते हुए भी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखता है, तो वास्तव में धर्मनिरपेक्षतावाद या धर्मनिरपेक्षता वही होता है। ठीक, समझ में आया? चाइना की तो बात ही मत करिए, चाइना बौद्धिस्ट है। ठीक है, तो ये तो है वास्तविक धर्मनिरपेक्षता। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं भारत में, कि भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो भारत में जब देखते हैं तो इसको कहाँ दिखाई पड़ता है धर्मनिरपेक्षता? आखिर धर्मनिरपेक्षता दिखाई कहाँ पड़ता है? राज्य की नीति में, राज्य की जो नीति है, और राज्य में कहाँ? संविधान में। राज के अंतर्गत कहाँ दिखाई पड़ती है? संविधान में, जो राज्य द्वारा एक प्रतिबद्धता है, राज्य के द्वारा एक प्रतिबद्धता है, यानी राज्य कहता है मानने के लिए। ठीक, हाल्योक ने क्या कहा था? व्यक्ति को मानना है। यहां कौन कह रहा है? राज्य कह रहा है मानना है, राज्य मानेगा। ठीक है, तो यहां दोनों मंत्र क्या है? एक तो व्यक्ति के लिए, दूसरा किसके लिए है? हाँ, बौद्ध भी धर्म है। ठीक, तो प्रतिबद्धता यहां क्या है भारत में? राज्य। अब थोड़ा सा हम लोग ये तो भारत में देख लिए कि राज्य की प्रतिबद्धता ही धर्मनिरपेक्षता है, और पश्चिम में जब देखते हैं, पश्चिम में, ये तो भारत के लिए है, ये भारत के लिए है। जब हम पश्चिम में जाते हैं, पश्चिम का मतलब जो पश्चिमी देश है, ठीक है, क्योंकि वहीं से अंतर मिलता है। बाकी बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जहां धर्म का प्रभाव अत्यधिक है, पश्चिम में कम है। तो यहां इसी धर्मनिरपेक्षता को माना जाता है, इसी धर्मनिरपेक्षता को, जिसके अंतर्गत कहीं भी कोई धार्मिक मामला होगा पूरे राज्य में, तो राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है पश्चिम में।
अगर धर्म का कोई मामला होता है और वहां मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है या संवैधानिक मूल्यों का ह्रास होता है, तब ऐसी स्थिति में उन मूल्यों के साथ राज्य एक्टिव होता है। अब वो मुद्दा, उसको आप चाहे धर्म से जोड़िए चाहे जिससे जोड़िए, लेकिन वहां क्या होगा, जब मानवीय मूल्यों का ह्रास होगा तब राज्य क्या करते हैं, कदम उठाने का काम करते हैं। दूसरा, भारत में हम देखते हैं एक तरफ तो कहते हैं धर्म निरपेक्ष है, लेकिन अभी अभी आपको नोटिस आ गया होगा कि 2-3 दिन ये बंद रहेगा कोचिंग आपका। आया कुछ नोटिस आया कि नहीं अभी? तो जिसको मान लीजिए आया नहीं आया, लेकिन आ जाएगा ठीक अभी कि फला फला दिन, क्यों? क्योंकि यहां दिवाली है, ठीक दिवाली है। अब दिवाली है तो बंद है ठीक, ये तो प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी विद्यालय भी क्या करेंगे, बंद है। वो नीति कौन बना रहा है, राज्य कौन है, सरकार। तो संविधान में तो धर्म निरपेक्ष है, तो आप धर्म के आधार पर जो रिलीजन है यानी धर्म के आधार पर जो छुट्टियां पर्व त्योहार हैं उस पर छुट्टी क्यों दे रहे हो, ये तो व्यक्तिगत होना चाहिए ठीक। तो यहां क्या है, राज्य कहेगा धर्म निरपेक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, छुट्टियों का निर्धारण ठीक। कोई भी धार्मिक मामला होगा, मंदिर मस्जिद विवाद होगा तो उसको कौन निपटाएगा, सुप्रीम कोर्ट। कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको कौन निपटाएगा, न्यायिक व्यवस्थाएं। तो सब तो राज्य कर रहा है ठीक, वित्त पोषण, हज की यात्रा होगी तो कौन कराएगा, राज्य कराएगा ठीक। यानी सब कुछ तो कर रहा है, उसके बाद क्या है, धर्म निरपेक्ष। लेकिन यहां क्या है, ये सारी चीजें नहीं है। यानी वास्तव में क्या है, धर्म निरपेक्षता को व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करे, राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये भारत और पश्चिमी देशों के बीच अंतर है। क्या दीपक जी, क्या नहीं बताए? देखिए कमेंट शुरू में देखता हूं, बीच बीच में ध्यान पड़ जाता है, नहीं तो बताइए क्या नहीं बताए। हाँ, भारत पंथ निरपेक्ष है, यानी चलिए लिख लीजिए, लिखिए धर्म निरपेक्षता, बिल्कुल बताएंगे। अभी फिर से मैं बताऊंगा, इंडिया और पश्चिमी देशों को, दोनों को बताऊंगा। चलिए लिखिए, पहले लिखवा करके फिर समझाया करें। हाँ ठीक है, पहले लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा फिर लिखो, पहले समझाऊंगा लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये तीनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोला था कि तीनों से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग लिखिए, धर्म निरपेक्षता मुख्यतः, धर्म निरपेक्षता मुख्यतः एक राजनैतिक प्रतिबद्धता है, राजनीतिक प्रतिबद्धता है। जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अर्थात राज्य किसी भी धर्म के प्रति राग, किसी भी धर्म के प्रति राग, राग मतलब प्रेम, द्वेष, राग द्वेष आदि का भाव नहीं रखता।
आदि का भाव नहीं रखता। आदि का भाव नहीं रखता, दरवाजा बंद कर, आदि का भाव नहीं रखता। उसकी नीतियां तथा विचार धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं। उसकी नीतियां धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र होते हैं। यही विचारधारा सामान्य जीवन में भी लागू होती है। यही विचारधारा सामान्य जीवन में भी लागू होती है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार यही विचारधारा सामान्य जीवन में भी लागू होती है जिसमें व्यक्ति अपने विचार तथा व्यवहार विचार तथा व्यवहार तथा अन्य क्रियाओं का निर्धारण तथा अन्य क्रियाओं का निर्धारण धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र होकर धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र होकर करने लगता है। तब यह प्रक्रिया धर्म निरपेक्षतावाद कहलाती है। देखिए, एक तो राजनीतिक प्रतिबद्धता है, ठीक, जिसमें राज्य अपनी नीतियों या क्रियाओं का निर्धारण किसी भी धर्म के प्रभाव से स्वतंत्र होकर के करता है, और जब यही चीजें व्यक्ति के जीवन में लागू होने लगती हैं, ठीक है, व्यक्ति अपनी नीतियों का, अपनी क्रियाओं का, अपने व्यवहारों का निर्धारण किसी भी धर्म के प्रभाव से मुक्त होकर के करने लगता है, तब वह क्रिया क्या कहलाती है? वो ऐसी प्रक्रिया धर्म निरपेक्षतावाद कहलाने लगती है। ठीक, धर्म निरपेक्षता का लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, आने दीजिए, मैकियावेली पे भी आएंगे हम लोग, एथिक्स आने दीजिए, है ना। लिखिए, धर्म निरपेक्षतावाद शब्द के प्रणेता धर्म निरपेक्षतावाद शब्द के प्रणेता इंग्लैंड के विचारक जॉर्ज जैकब हाल्योक हैं। जॉर्ज जैकब हाल्योक को माना जाता है, या है जो भी लिखना है, जॉर्ज जैकब हाल्योक को माना जाता है। इनके अनुसार इनके अनुसार धर्मनिरपेक्षतावाद
ईश्वर तथा अन्य अलौकिक, इनके अनुसार धर्मनिरपेक्षतावाद ईश्वर तथा अन्य अलौकिक अलौकिक शक्तियों का ही निषेध करता है, ही निषेध करता है, ना कि नैतिकता का, ना ही नैतिकता का। जहां लिखे हैं इनके अनुसार, उसके बाद से जो सेंटेंस उसको इनवर्टेड कॉमा में कर लीजिए, है ना, इनके अनुसार धर्मनिरपेक्षतावाद यहां से इनवर्टेड कॉमा में और लास्ट तक कर लीजिए, ठीक। अब एक बार फिर से समझा दे रहा हूं लिखवाने के बाद, ठीक है। हल्योक ने ये बताया कि जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जब ईश्वर या अलौकिक शक्तियों का निषेध कर दिया जाता है, देखिए हम लोग सामान्य रूप से, आप ऐसे आइए व्यवहारिक आधार पे, कि लोग ठीक, कि जब लोग नैतिकता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म को उससे जोड़ देते हैं, है ना। नैतिकता की बात करेंगे तो धर्म जरूर जोड़ते हैं, और धर्म जोड़ते हैं तो इसका मतलब अगर धर्म है तो धर्म निरपेक्षता नहीं है। तो इसको ही हल्योक ने बताने का प्रयास किया कि जब ईश्वर या कोई भी अलौकिक शक्ति है उसमें विश्वास ना करना है, या उसको मानने से इनकार कर देना, उसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर देना, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जीवन में नैतिकता ना हो, है ना। नैतिकता अगर उसके बाद भी बनी है तो वास्तव में धर्म निरपेक्षतावाद वही है, जब व्यक्ति के विचार व्यवहार या किसी क्रिया के अंतर्गत ईश्वर या अलौकिक शक्ति का स्थान न होते हुए भी नैतिकता उतनी ही हो, ठीक है, उसके जीवन में नैतिकता उतना ही हो, तब ऐसी अवस्था में ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि धर्मनिरपेक्षतावाद यही होता है। लेकिन जो स्थिति है, हाँ दीपक जी, चाइना का जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन मैं अकेले यहां नहीं बता सकता। अब चाइना पे अगर हम जाएंगे तो फिर पूरा हम चाइना की बात करेंगे, आप इसको फोन करके मुझसे बात कर लीजिए, मैं चाइना पे आपको डिटेल्स में धर्मनिरपेक्षतावाद बताऊंगा, ठीक। अभी हम बात कर रहे हैं भारत की, हम बात कर रहे हैं पश्चिम समाज की, जहां से इसकी उत्पत्ति होती है, तो आप बार बार चाइना को उसमें ला रहे हैं, चाइना से बहुत लगाव है लग रहा है आपको, है ना। बाद में हमको फोन करिए, हम आपको चाइना पे डिटेल्स बता देंगे आखिर है क्या। मैं बताया वहां पे जो सिस्टम है, मोनार्की सिस्टम है, वहां आप किसी भी, केवल धर्मनिरपेक्षता नहीं, किसी भी व्यवस्था की अगर बात करिए तो भारत से बहुत भिन्न है, ठीक है। पोलित ब्यूरो द्वारा वहां चुनाव होता है, एक ब्यूरो है, एक सिस्टम है उसका, ठीक है। बहुत सारी चीज एक एक शब्द में नहीं बता सकता मैं आपको कि आखिर है क्या, और फिर जब वहां हम डिटेल्स में जाएंगे। अभी देखिए वहां क्या स्थिति थी धर्मनिरपेक्षता में, यहां अगर सड़क पे मंदिर मस्जिद है तो NHAI जो है वो काम नहीं करेगा उस पे, है ना, भीड़ लगा करके रोक देंगे, सड़क को मोड़ देंगे। और वहां क्या है, अभी धड़ल्ले से मस्जिदों को उड़ा दिया गया, कोई कुछ किया, कोई प्रदर्शन दिखाओ, बताइए। तो एक व्यवस्था पे हम इतना आसानी से नहीं समझ पाते, हम कह रहे हैं आएंगे आपको, आप अगर कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है तो आप पर्सनली हमसे बात करिए, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए, धर्मनिरपेक्षता के कारण या धर्मनिरपेक्षता के लिए उत्तरदायी कारण। क्या कारण हो सकते हैं जिससे धर्मनिरपेक्षता आया? अगर आपको थोड़ा सा याद हो
है ना, तो महिला में जाइए और महिला आंदोलन में, महिला आंदोलन यानी महिला टॉपिक जो था उसमें, महिला आंदोलन में उसमें कुछ चीजें मैंने बताया था आपको। आंदोलन प्रारंभ से कहाँ, प्रारंभ कहाँ से होता है, जहां धर्म का प्रभाव था और धर्म ही सारा काम करता था उसमें कुछ चीजें जन्म लेती हैं, वो विज्ञान होता है, तर्कवाद होता है ना। याद आया कुछ? नहीं याद आया। हाँ ठीक है, देखिए धर्मनिरपेक्षता आने का कारण क्या है, यानी धर्मनिरपेक्षता के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, इसको आप सिंपली जब समझेंगे तो है क्या, देखिए वो हर चीज, वो हर पहलू कि जिसमें धर्म का प्रभाव कम हो, ठीक, जिसमें धर्म का प्रभाव कम होगा वो हर कारक क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। ठीक है, जैसे अभी पीछे आप टॉपिक पढ़े, ठीक है, महिला आंदोलन का, उसके आगे आ जाइए नगरीकरण आपने पढ़ा, ठीक, नगरीकरण क्या है, नगरों की स्थिति अगर देखा जाए तो नगरों में धर्म का रूढ़िवादी स्वरूप अधिक है या फिर गांव में है, कहां पे है? रूढ़िवादी का मतलब समझ रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स जिसको बोलते हैं, रिजिड जिसको लेकर के, हाँ ठीक है, गांव में मैक्सिमम लोग बता रहे हैं, गांव में कोई एक आध बताए हैं कि शहर में है, तो गांव वाले सही हैं। ठीक है, देखिए गांव में आज भी जो धर्म की मान्यताएं हैं वो ज्यादा कठिन है, लोग मानते हैं धर्म को, ज्यादा मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है ना सब कुछ, कोई चीज हो गया तो इससे विपरीत नहीं जाना है, धर्म उससे भला बुरा ये सारी चीजें जोड़ करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो शहर है, शहर में ऐसी चीजें क्या है, कमजोर है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है लेकिन कमजोर है। अब नगरीकरण में हुआ क्या, जैसे जैसे नगरीकरण हुआ तो अगर धर्म को स्थान देते, उसमें धर्म को अधिक स्थान दिया जाता तो ऐसे में नगर का विकास नहीं हो पाता, और नगर का विकास नहीं होता तो स्थिति क्या होती, नगरों का निर्माण नहीं होता। अब सिंपली नगरीकरण होता गया, लोग जाने लगे शहरों में, अब शहर में मान लीजिए आप ही हैं, हम हैं, कोई भी है, आप हम कोई, हम लोग शहर में गए गांव से और जा करके हमको पढ़ाई करना है, ठीक, तो हम जहां रूम लिए अपना पढ़ने के लिए तो बगल वाले से यह देखेंगे कि किसका मकान है, बहुत कोशिश किए, चलिए मान ली कुछ दिन हम लोग ढूंढते कि नहीं इस धर्म का है तो हम इसका मकान नहीं लेंगे, इसमें नहीं रहेंगे, सामने टीचर आ गया तब ये नहीं कहेंगे इससे नहीं पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट में काम कौन कर रहा है ये मतलब नहीं है, ऑटो में जा रहे हैं कौन चला रहा है नहीं मतलब है, इवन रिजर्वेशन करके आप जा रहे हैं, है ना, पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल से बैठे रिजर्वेशन करा करके तो जा रहे हैं, तो बगल का आप वहां तो सामने पता भी है आपको, लेकिन यहाँ रिजर्वेशन में पता ही नहीं कि बगल वाली सीट किसको दिया है, ठीक है, बगल वाली सीट किसको है, वो हमारे धर्म का है या दूसरे धर्म का है। तो इस नगरीकरण की जो व्यवस्था थी इसने क्या किया, ये जो पूर्वाग्रह था इसको दूर करने का काम किया, लोगों के बीच संवाद को स्थापित किया और एक साथ लोगों को रहने के लिए, बगल में पता चल रहा है जमीन खरीद करके कोई मकान बनवाया, उसके बगल में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति, एक फैक्ट्री है, उद्योग है, उसमें जो कर्मचारी हैं वो विभिन्न धर्मों के एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो इन सारी व्यवस्थाओं ने क्या किया, जो नगरीकरण की स्थिति थी उसमें कहीं ना कहीं धर्म के प्रभाव को कम किया, और इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता शब्द को अपनाने के लिए लोग आगे आए, ठीक, धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव बढ़ने लगा। तो लिखिए पहला, नगरीकरण का योगदान। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार या आगमन, आधुनिक शिक्षा का बिल्कुल आधुनिकीकरण भी होगा। नेक्स्ट, औद्योगीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, आदि का प्रभाव। नेक्स्ट,
संचार तथा आवागमन, संचार तथा आवागमन के संसाधनों में विकास, संचार तथा आवागमन के संसाधनों में विकास। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। नेक्स्ट, सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम। नेक्स्ट, संविधान या संवैधानिक प्रयास। नेक्स्ट, मीडिया तथा सिनेमा, का प्रभाव। ठीक, ये कुछ कारक हैं कि जिनकी वजह से धर्मनिरपेक्षता व्याप्त होती गई और लोग धर्मनिरपेक्षता को की तरफ बढ़ते गए। नगरीकरण का योगदान हम कह सकते हैं, आधुनिक शिक्षा का आगमन। आधुनिक शिक्षा में क्या है कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर उस शिक्षा को हासिल कर रहा है तो उसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है ना, किसी भी धर्म का व्यक्ति उसको। नहीं तो क्या था, यहाँ पे हर धर्म की अपनी परंपरागत शिक्षाएं, शिक्षा पद्धति या शिक्षा व्यवस्थाएं थी। तो वहां से हट करके आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, इसने क्या किया, लोगों को एक साथ लाने का काम किया जिसमें धर्मनिरपेक्षता बढ़ती गई। ठीक, इसके साथ साथ आवागमन तथा संचार के संसाधन में उन्नति। हाँ नीतीश जी सही बोल रहे हैं, गुरुकुल हो गया, मदरसा हो गया, ठीक है, कॉन्वेंट आज भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें जहां पे स्थितियां। ठीक, आवागमन तथा संचार के साधनों में उन्नति। तो लोग क्या किए, संचार और आवागमन का मतलब क्या है कि कहीं आना जाना है तो किसके साथ जा रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं, तो उसमें बहुत भेदभाव नहीं हो पाता है। ब्रिटिश शासन ने प्रारंभ किया भारत में धर्मनिरपेक्षता को, तो उसका पूरा प्रभाव, क्योंकि आधुनिकीकरण, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का आगमन या आधुनिक शिक्षा का आगमन और इसके साथ साथ निजीकरण की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें, नीतियों का निर्माण जो धर्मनिरपेक्षता से परिपूर्ण होता था, तो इन सारी चीजों को ब्रिटिश शासन ने अपने काल में भारत में जन्म दिया और उसका प्रभाव धर्मनिरपेक्षता के रूप में देखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार से सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम कि समान समतामूलक न्याय है ना, या फिर वितरण की व्यवस्था, या किसी नीति में किसी के लिए भेदभाव नहीं है ना, कोई कार्यक्रम बनाया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है तो बिजली पानी की व्यवस्था, तो उसमें किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर व्यवस्था, यानी सबके लिए समान। तो सरकार द्वारा जो ये प्रयास किए गए, ये कदम इसमें शामिल होते हैं। और इसके साथ साथ जो संवैधानिक व्यवस्था है भारत का संविधान, उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जो राज्य की नीति को दर्शाता है। मीडिया और सिनेमा का रोल, ठीक, मीडिया जो समान रूप से सबके लिए आवाज उठाती है, समान रूप से सबके लिए कदम उठाने का काम करती है, और सिनेमा जो इन भेदभाव से परे होकर के समान रूप से, सार्वजनिक रूप से सबके लिए काम करते हैं। ये तो हम सकारात्मक, इसके नकारात्मक पहलुओं की मत जाइए, ठीक है, इन्हीं में से नकारात्मक पहलू भी मिलते हैं इसी मीडिया, सिनेमा, सरकार और नीति निर्माण में, कार्यक्रम में, तो सब दूसरी चीजें हैं। लिखिए, भारत में, पैराग्राफ चेंज करके, भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ। भारत में धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव से
माना जाता है। प्रभाव से माना जाता है। इस दौरान आधुनिक शिक्षा, आकाश जी दिख रहे हैं इसमें हमको, दिल्ली के क्या हाल चाल है, क्या माहौल है भी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि मुलाकात होगी दिल्ली में आप लोगों से फिर से। ठीक, देखिए, इस दौरान आधुनिक शिक्षा, विज्ञानवाद, आधुनिक शिक्षा, विज्ञानवाद, तर्कवाद, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, एक मिनट, क्या लिखे, आधुनिक शिक्षा, विज्ञानवाद, तर्कवाद आदि का, विज्ञानवाद, तर्कवाद, आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, आदि का प्रभाव जैसे जैसे, आदि का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे बढ़ता गया, धर्म का प्रभाव सामाजिक जीवन से, धर्म का प्रभाव सामाजिक जीवन से कम होने लगा। इन प्रभावों को इन प्रभावों को निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत देखा जा सकता है। इन प्रभावों को निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत देखा जा सकता है। डैश दे करके पहला लिखिए, धार्मिक स्थानों तथा धार्मिक नेताओं के घटते प्रभाव एवं शक्ति के रूप में, ठीक, धार्मिक स्थान या स्थल, ठीक, और तथा धार्मिक नेता जो है इनका कितना प्रभाव समाज में दिखाई पड़ता है। अभी आज देखिए वर्तमान में, और चले जाइए 100 साल या 50 साल पहले की स्थिति, ठीक है, तो दोनों में आपको अंतर दिखाई पड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आज धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव लोगों पर ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसलिए धार्मिक स्थल यानी कहाँ कितना लोग, अब जैसे कहीं जाना भी किसी को घूमने टहलने किसी स्थल पे, तो एक उसको अवसर के रूप में देखते हैं कि चलो घूम के आएंगे, ये नहीं, बड़ी आस्था है, बड़ी मान्यता है,
ठीक है, आस्था और मान्यता बस वहीं तक है जितनी देर के लिए आपका संकट है कि हमारा ये काम हो जाए तो हम यहाँ दर्शन करेंगे और ये करेंगे, और संकट खत्म अगर तो जाएंगे, चलो ठीक है चले जाएंगे, और जाएंगे तो फुल मस्ती में जाएंगे, उतनी आस्था से नहीं कि एकदम बाकायदा पूरा आस्था और विश्वास, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है तो एक अवसर दिखता है। और ऐसे में कितने लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी करने से पहले धार्मिक नेताओं से परामर्श किए थे कि किस मुहूर्त में शुरू करें, है ना, ताकि सफलता हमारी शत प्रतिशत एकदम सुनिश्चित हो जाए, है ना। तो पहले क्या होता था, व्यक्ति हर काम करने से पहले कहीं ना कहीं धार्मिक नेता मतलब मौलाना साहब, पंडित जी जो हमारे पुरोहित होते हैं, या फिर चर्च के पादरी जी, ये सब धार्मिक नेता हैं, है ना, यही तो जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं धर्म की। तो ये सारे धर्मों के अंतर्गत जो गुरुद्वारे में होते हैं सब लोग, ये सब धार्मिक नेता, तो कितने लोग आज हर काम इनसे पूछ के करते, नहीं करते, जो जिसका मन किया उसको अच्छा समय लग रहा शुरू कर दिया, है ना, जैसे भी। तो जीवन में लोगों के ये सारे प्रभाव क्या हो रहे हैं, ऐसा नहीं है राहुल कुमार जी? अच्छा कैसा है बताइए। तो आज क्या है लोगों के जीवन में, कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे एकदम खत्म हो गया है, लेकिन हम वही कह रहे हैं 50 वर्ष पहले जाइए, 100 वर्ष पहले की स्थिति देखिए, 20 वर्ष पहले की स्थिति देखिए, और आज की स्थिति देखिए, और इस तरीके से आगे क्या होगा वो भी आप समझ सकते हैं। आस्था विश्वास अलग चीज है, और उसको दिखावा दिखावे में लाना वो अलग चीज है। तो कहीं ना कहीं ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये रिसर्च भी बताएंगे, भी कुछ रिसर्च भी आपको। हाँ दीपक जी सही कह रहे हैं, आजकल तो जो नेता है उनको खुद के बारे में ही नहीं पता है तो दूसरे के बारे में क्या बताएंगे। सच्चाई है कहीं ना कहीं, हकीकत है, बट आज भी लोगों की जो आस्थाएं हैं मान्यताएं हैं, कुछ लोग हैं ऐसे कि जिनको पता है और जुड़ा भी होता है, लेकिन ये भी हकीकत है ना। इसी शायद इसी वजह से आस्था और विश्वास कम हो रहा है इन नेताओं में या स्थलों में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बढ़िया, इसमें कुछ रिसर्च है भी, मैं आपको बताऊंगा सारी चीजों को, इंटरेस्टिंग बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना, और कभी भी धर्म और पे बात हो तो किसी के सामने आप अच्छे से बोल भी सकते हैं। ठीक है, बड़ा जो आपको रिसर्च बैकग्राउंड है उसको भी मैं लेकर के साथ चलता हूँ। ठीक है चलिए लिखिए नेक्स्ट। व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में पूजा पाठ, कर्म कांड, व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन में पूजा पाठ, कर्म कांड, रिचुअल्स, कर्म कांड का मतलब रिचुअल्स होते हैं, उपवास, उपवास, त्योहार आदि के घटते महत्व के रूप में, आदि के घटते महत्व के रूप में ठीक। अब देखिए ये सब चीजें क्या हैं, अब जो पूजा पाठ करते होंगे वो कहें भड़क जाएंगे अभी कि नहीं सर ऐसा नहीं, हम तो पूजा पाठ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। और होना देखिए ये आस्था तक सीमित होना चाहिए, कोई गलत नहीं है, आप अगर पूजा पाठ कर रहे हैं कर्मकांड को तो ये चीजें गलत नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए उसको कि आप एक तरफ मन में कुछ रखे हैं और दूसरी तरफ पूजा पाठ एकदम, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। आस्था अलग चीज है, और आस्था, मानवता, सौहार्द, प्रेम, ये सारी चीजें अलग है ना। हल्योग को याद करिए, हल्योग क्या बोलते हैं, नैतिकता होना अलग चीज है, नैतिकता में आस्था होनी चाहिए। आस्था किसी में भी है, जो वो पारलौकिक है अलौकिक है, वहां आप थोड़ा सा उनको निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब केवल पहले हमको सुबह उठ करके पहले यूपीएससी के लिए 1 घंटा पूजा करना है, कि आज हम 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा पहले उस 8 घंटे को समझने के लिए देंगे, है ना। तो दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे, कितना कौन पूजा पाठ कर रहा है, कितना लोग कर्मकांड को बढ़ावा दे रहे हैं। कर्मकांड का मतलब क्या होता है, जिसमें व्यक्ति, जैसे कोई भी धर्म है, उस धर्म के अंतर्गत जो भी नीतियां निर्धारित की गई हैं, जो भी नीतियां निर्धारित की गई हैं, यानी जीवन के संचालन के लिए, दैनिक निर्वहन के लिए जो नीतियां निर्धारित की गई हैं, कि उसका पालन कितना व्यक्ति करता है, ठीक कर्मकांड वही है। जो
कर्मकांड का मतलब जो नीतियां निर्धारित की गई, तो उसका पालन कौन कर रहा है कि सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कीजिए, हिंदू धर्म में है, ठीक है, सूर्य को ये ऐसा ये जल चढ़ाइए, वो करिए, ऐसा वैसा सब कुछ जो भी है, और अंत तक तो आजकल कौन करता है। तो कर्मकांड के घटते प्रभाव के रूप में यानी कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता मजबूत रही कि नहीं, इस अगर नहीं होगा तब भी हमारा जीवन चलेगा। तो इस तरीके की व्रत, त्योहार, उपवास, जो ये सारी चीजें हैं, त्योहार व्यौहार आजकल अवसर के रूप में देखा जाता है, इस दिवाली में इतने पटाखे हमको जलाने हैं, ठीक है, इस ईद में हमको इतना इस तरीके का कपड़ा पहनना है, पिछली बार ये कुर्ता सिलवाए थे तो इस बार ये वाला कुर्ता हमको चाहिए, तो ईद में ऐसा, और उनका जो थोड़ा अच्छा हो गया था इस बार उनको आगे नहीं जाने देंगे हम, तो ऐसी चीजें त्योहार के रूप में क्या एक अवसर व्यक्ति देख रहा है, ना कि उस त्योहार का मूल जो है ना उसको देखने का प्रयास कर रहा है, जो धर्म के आधार पर निर्धारित किया गया था, तो उस पर ध्यान ना देकर के, बल्कि वो अवसर, छुट्टी होगा 4 दिन का, इसी बहाने इनके यहाँ घूम लेंगे, इसी बहाने उनके यहाँ मिलेंगे, ये आएंगे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बाहर है फ्रेंड हमारा वो आएगा तो इससे मिल लेंगे, पहले से प्लानिंग हो, हम जाएंगे घर पे तो इनसे मिलेंगे, तो यानी एक अवसर के रूप में, ना कि उस त्योहार की जो प्रासंगिकता है वहां तक लोग सोचते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, देखिए अंतर्वैयक्तिक ऐसे भी लिखेंगे, अंतर पूरा लिख लीजिए, अंतर वैयक्तिक ये भी ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहें ठीक है, अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरपर्सनल, संबंधों में, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में व्याप्त धार्मिक, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में व्याप्त धार्मिक पूर्वाग्रहों के पूर्वाग्रहों के घटते प्रभाव के रूप में, पूर्वाग्रह मतलब क्या होता है, जो डिटरमाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड, पहले से सोचा समझा जो चीज होती है, यानी कि हम किसी के प्रति कोई धारणा पहले से बना लिए हैं, ठीक है, तो वो पूर्वाग्रह होता है। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस पूरा आप देखिए, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में जो व्याप्त धार्मिक पूर्वाग्रह है उसके घटते प्रभाव के रूप में, कि कौन ये फला धर्म से है तो ये ऐसे ही होगा, ठीक, या हम इसकी सोच हमारे प्रति ऐसे होगी, हमारी सोच इनके प्रति ऐसे होगी, तो समय के साथ क्या हो रहा है, इन चीजों में कमियां देखी जा रही है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता का जैसे जैसे प्रभाव, तो ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवसाय, व्यवसाय के निर्धारण में, व्यवसाय तथा रोजगार के निर्धारण में, रोजगार भी लिख लीजिए, व्यवसाय तथा रोजगार के निर्धारण में धार्मिक निर्धारणवाद, धार्मिक निर्धारणवाद के घटते महत्व के रूप में या घटते प्रभाव के रूप में, इसका मतलब क्या है, कोई रोजगार करना है, किसी को व्यवसाय करना है, तो पहले क्या होता था कि विशेष धर्म से संबंधित विशेष रोजगार,
व्यवसाय, इस धर्म का है तो इसको यही करना चाहिए, इस धर्म का है तो इसको यही करना चाहिए, कुछ ऐसे व्यवसाय होते थे जो निर्धारित होते थे। अभी क्या है, व्यक्ति की धार्मिक जो निर्धारणवाद था वो हट करके अब व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो निर्धारित करती है कि कहाँ से अर्थव्यवस्था उसका संचालित हो। व्यवसाय कोई भी है, ठीक है, व्यवसाय कोई भी है, जाति आधारित, धर्म आधारित, जो पवित्र अपवित्र का एक कॉन्सेप्ट होता था कि ये काम अपवित्र है, इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। आज क्या है, किसी भी धर्म का काम कोई भी कर रहा है, किसी भी धर्म का काम कोई भी कर रहा है, इवन कोई भी जाति है उस जात का काम कोई भी कर रहा है। तो ये चीजें क्या है, कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता के प्रभाव से हट करके और आर्थिक प्रभाव को दिखाता है, और व्यक्ति की आवश्यकता उसके व्यवसाय का निर्धारण करती है, ना कि धार्मिक पूर्वाग्रह या धार्मिक पवित्रता या अपवित्रता के अंतर्गत जो चीजें निर्धारित होती थी। ठीक, नेक्स्ट। सामाजिक सामाजिक संबंधों में सामाजिक संबंधों के सामाजिक ऐसे लिख लीजिए, सामाजिक संबंधों के नियमों में सामाजिक संबंधों के नियमों में व्यापक व्यापक स्थान, व्यापक स्थान मिलना, जैसे जैसे खान पान, वेशभूषा, विवाह आदि। सामाजिक संबंधों के नियमों में व्यापक स्थान प्राप्त करना, जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विवाह आदि। अब देखिए, इसका वो हम कह सकते हैं व्यापक सामाजिक संबंध में जो सांस्कृतिक प्रभाव है ना। तो आजकल क्या है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका वेशभूषा। अब कोई स्पेशली उस धर्म को लेकर के चल रहा है तो अलग बात है, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि कौन किस धर्म का है ना। जब उससे पूछा जाए, उससे बातचीत किया जाए तो पता चलता, अच्छा ये फला धर्म का है ना। तो ये चीजें, खान पान, सब एक दूसरे का जो खान पान है सब खा रहे हैं, जहां का जो व्यक्ति है उस तरीके से एक दूसरे के खान पान को एक्सेप्ट कर रहा है। रहन सहन की स्थिति जो है, कुछ जो आज भी धर्म को मानने उनको छोड़ दिया जाए तो रहन सहन भी सबके मकान और लिविंग स्टैंडर्ड सबका एक ही तरीके से दिखता है। तो ये सारी चीजें पहले क्या होता था, एक धर्म विशेष आधार पर ये चीजें निर्धारित होती थी, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा। आज क्या है, ये चीजें इक्वल होती जा रही है, समान परिवेश में दिखाई पड़ती है ना। नेक्स्ट लिखिए, वर्तमान में दान जैसे विषय वस्तुओं को, दान दान डोनेट डोनेशन, वर्तमान में दान जैसे विषय वस्तु की अवधारणा किसी विशेष धर्म या जाति से जोड़कर किसी किसी विशेष धर्म या जाति से जोड़कर देखने के स्थान पर किसी विशेष धर्म या जात से जोड़कर देखने के स्थान पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, समाज सेवी संगठन, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय,
समाज सेवी संगठन, विधवा आश्रम, अस्पताल आदि से जोड़कर देखा जाता है। आदि से जोड़कर देखा जाता है। ठीक, यानी आज लोग दान करना, जो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा यहां सब है वो अलग बात है, करते आज भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की सोच होती जा रही है, तो अन्य संस्थाओं जो समाज सेवी समाज के जो सामाजिक संगठन है ना, संस्थाएं हैं, उन पे कौन सा फैसला, थोड़ा याद दिलाइए। ठीक, तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए, तो अब लोग क्या करते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में दान करने की बजाय सोचते हैं कि किसी संस्था में, ऐसी संस्था में जो अनाथालय है, जो वृद्धा आश्रम है, जो विधवाओं का आश्रम है, ऐसी जगहों पर अगर दान किया जाए तो डायरेक्ट वहां तक लाभ पहुंच सकता है, बजाय किसी ऐसे धार्मिक संस्थाओं के। ठीक, नेक्स्ट लिखिए। धर्म आधारित इस पे मैं देखा नहीं हूं, है ना, इसको देखा नहीं हूं। अब मैं देख के इसको फिर देखता हूं क्या है, शायद इसको मैं ध्यान नहीं दिया हूं, अगर होगा तो अभी दिमाग में आ नहीं रहा मेरे। ठीक है, इसको मैं देख के फिर आपको बताता हूं। नेक्स्ट लिखिए, धर्म आधारित पंचायत। धर्म आधारित पंचायत मूल्य मानदंडों में धर्म आधारित पंचायत मूल्य मानदंडों में कमी के रूप में इन सबका स्थान अब न्यायिक तथा प्रशासनिक इकाइयों ने ले लिया है। आधुनिक लिख सकते हैं, आधुनिक न्यायिक एवं प्रशासनिक इकाइयों ने ले लिया है। आधुनिक न्यायिक एवं प्रशासनिक इकाइयों ने ले लिया है। इसका मतलब क्या है, जो विभिन्न समाजों के अंतर्गत आप लोग सुनते होंगे, जैसे एक धर्म है, तो उस धर्म की अपनी न्यायिक व्यवस्था थी, पंचायती व्यवस्था, है ना, और उसमें भी धर्म आधार सॉरी जाति आधारित व्यवस्थाएं, हर जातियों की अपनी व्यवस्थाएं। मैंने बताया है कि जो धर्म आधारित पंचायतें थी या न्यायिक व्यवस्था थी, उसका स्थान अब आधुनिक व्यवस्थाओं ने ले लिया है। ठीक है, हाँ, जैसे खाप पंचायत, तो खाप पंचायत एक जाति सॉरी खाप पंचायत तो एक धर्म आधारित, और धर्म आधारित के अंतर्गत जाति आधारित व्यवस्था है। ठीक, ऐसे हर धर्म की अपनी अपनी व्यवस्थाएं थी, हर धर्म की अपनी अपनी नीतियां थी। ठीक, और उन नीतियों को अब संवैधानिक या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत डाल दिया गया। जैसे पंचायती राज में कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी है, सब सबके लिए पंचायती राज की व्यवस्था क्या है, समान है, जो भी कार्रवाई होगी सबके लिए समान होगी। ऐसे आप देखेंगे न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो जिला न्यायालय होते हैं, उनकी व्यवस्थाएं सबके लिए क्या होंगी, समान होंगी। तो ये सारी जो धर्म आधारित न्यायिक व्यवस्थाएं होती थी, हर धर्म की अपनी अपनी नीतियां, उसको अब क्या है, एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्थाओं ने ले लिया, जो आधुनिक युग में देखी जा रही है, आधुनिक युग का जो हिस्सा है, अंग है। ठीक, तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो प्रभाव है भारतीय समाज पर, या सॉरी भारतीय समाज पर जो धर्म निरपेक्षता का प्रभाव, वो इन रूपों में दिखाई पड़ता है। ठीक, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके।
आजादी के बाद, आजादी के बाद दिल्ली के, आजादी के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद के, दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम, इमाम, शाही इमाम, कॉमा लगा करके लिखिए, हिंदुओं के धर्म गुरु, हिंदुओं के धर्म गुरु शंकराचार्य आदि का जो प्रभाव समाज पर था, आदि का जो प्रभाव समाज पर था, वह बढ़ते धर्मनिरपेक्षता के कारण, वह बढ़ते धर्मनिरपेक्षता के कारण लगातार कम होते गए, आज देश के विभिन्न भागों से, आज देश के विभिन्न भागों से, आज देश के विभिन्न भागों से मुफ्ती मौलवियों द्वारा जो फतवे जारी किए जाते हैं, जो फतवे जारी किए जाते हैं, उनके प्रभाव में भी कमी, उनके प्रभाव में भी कमी आई है। ठीक, यानी धर्मनिरपेक्षता को जब देखा जाता है, देश आजाद होता है, संविधान बनता है, धर्मनिरपेक्षता जोड़ा जाता है, तो लगातार धर्म का जो प्रभाव है, दिल्ली के जामा मस्जिद के जो शाही इमाम, उनका प्रभाव पूरे भारत में, एक ऐसा समुदाय इस्लाम जिस पर चलता था, लेकिन आज कितने लोग मानते हैं उस समुदाय के, तो इसमें लगातार प्रभाव क्या हुआ, कम। आदि गुरु हिंदुओं के फतवा क्या होता है, एक नोटिस होती है ना, फतवा क्या होता है, एक आदेश पत्र होता है, एक नोटिस होता है कि हाँ हाँ वही बता रहे हैं, ठीक, कि जिसको उस विशेष समुदाय से अगर हट करके कोई काम किया जाता है, तो उसको लेकर के एक आदेश नोटिस जिसको कह सकते हैं जारी किया जाता है, और ये बताया जाता है कि आपने इसका उल्लंघन किया है, इस वजह से आपको अब उसमें जो भी नोटिस हो बहिष्कृत करने का हो, ठीक है, मुफ्ती, मुफ्ती मुक्ति नहीं, मुफ्ती, मुफ्ती, ठीक है, यानी एक आदेश पत्र होता है धर्म का, विशेष धर्म का होता है, तो वो फतवा कहलाता है। इसी प्रकार हिंदुओं में पूछा जाए कि कौन है इस समय आदि गुरु शंकराचार्य, तो शायद ही किसी को पता हो, ठीक है, और क्या कार्य है उनका ये भी नहीं, जब नाम ही नहीं पता है तो काम क्या है ये भी नहीं जानते हैं, और क्या कहते हैं, तो खैर इन सारे लोगों का जो धार्मिक प्रभाव है वो धर्मनिरपेक्षता, बढ़ते धर्मनिरपेक्षता के कारण लगातार आजादी के बाद कम देखा जा रहा है, ठीक है, कम होता देखा जा रहा है। जो मुक्ति मौलवी जो फतवे जारी करते थे विभिन्न कार्यों के अंतर्गत, या जो व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह में कोई ऐसी ऐसे कदम उठा लेते थे, उसके विपरीत में जो फतवे जारी किए जाते थे, उन सारे फतवों का प्रभाव आज लोग मानने से इनकार कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके वजह से, कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता का बढ़ता प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
विक्टर डिसूजा, ये सारे रिसर्च हैं। विक्टर डिसूजा, विक्टर डिसूजा ने पंजाब के गांव का अध्ययन किया, पंजाब के गांव का अध्ययन किया तथा पाया कि, यानी अध्ययन में अपने, तथा पाया कि सिख एक बड़ी संख्या में, सिख एक बड़ी संख्या में अपने बा अपने केश अपने केश कटवाने लगे हैं। तथा पांच अनिवार्यताओं से भी तथा पांच अनिवार्यताओं से भी पांच अनिवार्यता क्या है? पांच अनिवार्यता यानी पांच का, और वो पांच का क्या है? का से ही जिसको पूरा पता हो बताए, चार नहीं पांच, जिसको पूरा पूरा पता हो बताए, एक एक करके नहीं, सब मिला करके एक एक बता देंगे तो पूरा हो जाएगा। हाँ देखिए, पांच का मतलब क्या है? केश, हाँ चार ही बताए हैं आप, पांच बताइए, सुन लीजिए, केश, कंघा, कच्छ, कृपाण और कड़ा। ठीक, केश, कंघा, कच्छ, कृपाण, कड़ा, ये पांच का होता है जो सिखों में अनिवार्य माना गया था। ठीक, तो अब देखा जा रहा है, विक्टर डिसूजा ने जब पंजाब के गांव का अध्ययन किया तो उसमें पाया कि एक बड़ी मात्रा में जो सिख धर्म है उसको मानने वाले अनुयायी जो उसके हैं, वो अपने केश को कटानी, केश अनिवार्य है, बाल रखना अनिवार्य, तो उसको कटवाने लगे हैं, और साथ ही पांच अनिवार्यताओं में जो और चीजें थी उससे भी दूर जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, धर्म का प्रभाव कम, ऐसे में क्या हो रहा है उनके जीवन में धर्म का प्रभाव। ये समाजशास्त्री हैं, रिसर्चर है विक्टर डिसूजा। लिखिए, पांच अनिवार्यताओं से भी दूर जाने लगे जा रहे हैं। ऐसा ही अन्य धर्मों के साथ देखा जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सूरज जी आप भी देख रहे हैं, बिल्कुल ये सब आप देखेंगे तो आपको खुद ही रिसर्च में दिख जाएगा, है ना। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ये एक मैगजीन है, पत्रिका, ठीक, में प्रकाशित एक शोध, में प्रकाशित एक शोध प्रकाशित
प्रकाशित एक शोध जो धर्म निरपेक्षता पर जो धर्म निरपेक्षता पर डीयू डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ठीक, तथा जेएनयू जो डीयू तथा जेएनयू जेएनयू में कराया गया के अंतर्गत पाया गया कि के अंतर्गत पाया गया कि डैश देकर के लिखिए, पहला मात्र 1% युवा मात्र 1% युवा कम से कम सप्ताह में मात्र 1% युवा कम से कम सप्ताह में एक बार मंदिर जाते हैं। ठीक, मात्र 1% युवा सप्ताह में कम से कम एक बार मंदिर जाते हैं, उसमें भी 1% में भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, है ना। हो सकता है कोई स्थान ना मिलता हो मिलने के लिए, तो वो स्थान सुनिश्चित कर लेते हो, है ना, कि यही भाई मुलाकात वहीं हो जाएगी, वहां कोई शक भी नहीं करेगा और दर्शन भी हो जाएंगे। तो ये भी अवधारणाएं हो सकती है, फिलहाल जो भी रही हो। तो रिसर्च में माना गया कि हाँ, ये माना गया रिसर्च में कि जब पाया गया कि अच्छा देखिए इसके पीछे उद्देश्य क्या है, दियो जेनु अभी हम बताएंगे उद्देश्य क्या है। पहले इसको समझिए कि 1% ही ऐसे लोग थे युवा कि जो सप्ताह में कम से कम एक बार मंदिर जाते थे, ठीक, यानी 99% लोग नहीं जाने वाले हैं। दूसरा लिखिए, मात्र 3% युवा मात्र 3% युवा एक या उससे अधिक बार एक या उससे अधिक बार गीता का संपूर्ण अध्ययन किए हैं। गीता मतलब पुस्तक, है ना, कोई गीता और मत समझिएगा, नहीं पता चले 3% युवा किसी गीता को ले आए सामने पकड़ के और उसके बाद पूछ रहे हैं कि उन पे अध्ययन कर रहे हैं। तो रिसर्च मतलब गीता, ये जो हॉली बुक है ना उनका। तो मात्र 3% युवा ऐसे हैं ठीक जो गीता का अध्ययन किया है। गीता का अध्ययन करने का क्या मतलब है, देखिए माना जाता है जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए गीता, अगर कोई होली बुक पढ़नी है तो गीता सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है ना, क्योंकि जो उतार चढ़ाव का समय है स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा होता है, धैर्य टूटने लगता है, ठीक है, और बहुत सारी परिस्थितियां यानी ट्रांजिशन फेज होता है। तो ऐसे में गीता में धैर्य रखने की जो बात कही गई है उसके श्लोकों में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई हैं कि जो जो भी पढ़ा होगा जानता होगा। हाँ, तो ये बहुत स्टूडेंट लाइफ के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। और ऐसे में 3% मात्र युवा ऐसे कि जो एक या उससे अधिक बार गीता का संपूर्ण अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट लिखिए, मात्र बहुत अच्छा किए हैं शुभम जी, मात्र 7% युवतियां मात्र 7% 60 मत लिखिएगा, 7 मतलब 7, मात्र 7% युवतियां साल में, युवतियां का मतलब
लड़कियां, युवा और युवतियां साल में एक से अधिक उपवास रखती हैं। उपवास का आधार क्या है? धर्म। आज उपवास का आधार क्या है? डाइटिंग। ठीक, तो हमको तो लगता है 7% में जो उपवास रखती है वो डाइटिंग वाली होंगी। ठीक है, वो धार्मिक आधार पे नहीं होंगी कि कहीं ना कहीं ज्यादा पिज्जा और बर्गर ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको कंट्रोल करने के लिए उपवास रख लेती होंगी। और धार्मिक आधार, चूंकि देखिए पहले क्या होता था, युवतियां 16 सोमवार का उपवास रखती थी, अच्छा वर मिल जाए, और वर ऐसा मिलता था कि घरेलू हिंसा शुरू, है ना, अधिनियम के तहत शुरू मारपीट, तो ऐसा वर मिलता था। तो अब यानी युवतियों में क्या है, धर्म को लेकर के जो उपवास की मान्यताएं हैं, ठीक है, वो सब चीजें कम हो रही। अब देखिए ये रिसर्च जो है डी और जेएनयू में जो कराया गया धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, क्यों ऐसी स्थिति में, क्योंकि डीयू और जो जेएनयू है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान माना जाता है। ठीक, उच्च संस्थान माना जाता है कि जहां पे लोग जो आते हैं शिक्षा के लिए उनकी सोच है ना कहीं हायर होती है अपेक्षाकृत अन्य जो हैं, और पूरे देश के लोग आते हैं। दूसरी चीज क्या है, पूरे देश के लोग आते हैं वहां पे, और हर धर्म हर समुदाय के लोग आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं। ठीक, यानी एक ऐसा संस्थान की जो उच्च है और जिसका शिक्षा स्तर भी क्या है, ऊपर है, जो इन मान्यताओं से ऊपर हट करके अपने विचारों को रखता है, और यहां पर पूरे देश के लोग आते हैं, हर वर्ग हर समुदाय हर क्षेत्र से। ठीक, तो ऐसी स्थिति में यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या ये उच्च शिक्षण संस्थाओं वाले, ठीक, क्या इनके अंदर धर्मनिरपेक्षता है या फिर आज भी धर्म के प्रभाव से पीड़ित है ना, धार्मिक पूर्वाग्रह आज भी इनके अंदर है। तो ऐसे में जब शिक्षा के साथ 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 धर्मनिरपेक्षता को जोड़ने का काम, यानी देखने का काम किया गया कि अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो क्या धर्मनिरपेक्षता भी वही रहेगी। ठीक, तो ये पाया गया कि हाँ, अगर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो धर्मनिरपेक्षता क्या होगी, बढ़ेगी, और शिक्षा अगर कम है तो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता भी कम होगी। यानी शिक्षा अगर बढ़ाया जाए तो धर्मनिरपेक्षतावाद भी बढ़ सकता है। यानी इस रिसर्च के पीछे ये उद्देश्य था, और इसमें पाया गया कि 1% ऐसे युवा हैं जो सप्ताह में कम से कम एक बार मंदिर जाते हैं, 3% ऐसे युवा हैं जो एक या उससे अधिक बार गीता का संपूर्ण अध्ययन किए हैं, और उसके साथ साथ 7% युवतियां ऐसी हैं जो पूरे वर्ष में एक या उससे अधिक उपवास रखती हैं। ठीक, देखिए इस अध्ययन के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके, इस अध्ययन के अनुसार पाया गया कि शिक्षित वर्ग में इस अध्ययन के अनुसार पाया गया कि शिक्षित वर्ग में धर्म का प्रभाव लगातार कम हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अब देखिए यहां तो हम लोग ये देख रहे हैं कि धर्म का प्रभाव किस तरीके से कम हुआ और धर्मनिरपेक्षता कैसे बढ़ती गई। अभी तक हम लोग इसके सकारात्मक, धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू पर थे। अब ये तो है नहीं कि सब कुछ सकारात्मक है और सबके जीवन से धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई और भारत में धर्मनिरपेक्षता एकदम चरम पे है। कहीं ना कहीं आज भी धार्मिक रूढ़िवादिता है, कट्टरपंथिता भी है। तो क्यों है, जब हमारा संविधान नहीं है धर्मवादी तो हमारी व्यवस्था नहीं, तो धर्म आखिर है क्यों? तो कुछ तो कमियां होंगी, कुछ तो ऐसे तथ्य हैं जो दिखाई पड़ते हैं, कुछ तो ऐसे कारक होंगे कि जिनकी वजह से धर्मनिरपेक्षता का प्रभाव अपनी पूर्ण अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो कमियां क्या है, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। परंतु
परंतु उपरोक्त प्रभावों के बावजूद भी अभी तक जो हम लोग देखे, उपरोक्त प्रभावों के बावजूद भी भारत में धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता के समक्ष कुछ चुनौतियां अवश्य दिखाई पड़ती हैं, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, हल्ल्युक बताते हैं कि जीवन में ईश्वर का न होना, पारलौकिक शक्ति में विश्वास ही न करना ही धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन नैतिकता बनी रहे। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता उठा लाते हैं कहां से? चलो भैया कहीं मिल रहा है खरीद लें, ठीक है, इन सब मामले में तो आगे है ही है, कहीं से कुछ ले आए, कहीं से कुछ ले आए, कहीं से कुछ ले आए, और सब मिला करके जोड़ करके एक चीज बना दी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, कि नहीं तो भाई नहीं, अगर अपने अंदर क्षमता है तो किसी से मांगना भी पड़ेगा, किसी से लेना पड़ेगा, ले आना ठीक है, लेकिन लाने के बाद क्या उसका प्रभाव दिखाई पड़ना, उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ना चाहिए, उसका मूल उद्देश्य जिस रूप में आप ला रहे हैं उस मूल रूप में भी आना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता तो ले आए, लेकिन जब आया धर्मनिरपेक्षता तो गांधी जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब हल्ल्युक को हम नहीं मानेंगे, हम अपनी परिभाषा देंगे, है ना? तब गांधी जी कहते हैं कि सर्वधर्म संभाव ही धर्मनिरपेक्षता है, सभी धर्म को मानना, सब सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। लो, एक नई परिभाषा हो गई। तो भारत में हल्ल्युक को जिन्होंने जन्म दिया उस शब्द को, यानी किसी ने उत्पत्ति किया जिस चीज को, ठीक है, उसको नहीं मानेंगे, अपने तरीके से हम बता रहे हैं इसको लो, ठीक होगा वही चीज, लेकिन वो उनकी तरीके से नहीं, जिन्होंने जन्म दिया हमसे लो, हम जन्म देंगे नई तरीके। तो इन्होंने कहा कि लो भैया ये क्या है, सर्वधर्म संभाव ही धर्मनिरपेक्षता है। तो भाई एक्सेप्टेंस है ही है गांधी जी का हमारे यहाँ, तो हो गया। लोग उसमें कुछ लोग चले गए, नेहरू जी आए, तो नेहरू जी बोल रहे हैं सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव रखना, है ना, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ भाव, तटस्थ मतलब न्यूट्रल हो जाना। अब ये तो व्यक्तिगत विचार है, होगा या नहीं होगा, मानना है किसी को, तटस्थ होना है तो होगा, नहीं मानना तो क्यों मानेगा। तो उन्होंने अपना दे दिया, चलो भाई तटस्थ होना, तो कुछ लोग तटस्थ होने लगे, हल्ल्युक को नहीं मान रहे हैं, जो हल्ल्युक ने बोला है उसको ले चले। फिर उसके बाद राधा कृष्णन जी आए, तो उन्होंने बोला आध्यात्मिक मूल्यों की सार्वभौमिकता, जो आध्यात्मिक मूल्य हैं वो सभी के लिए अगर समान है और सार्वभौमिक, जो हर जगह पाए जाए, यूनिवर्सल है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धर्मनिरपेक्षता होगा। अरे सब इतना क्यों बोल रहे हो, सबको कंफ्यूज कर रहे हो, एक ही मान लेते कम से कम, हल्ल्युक ने जो कहा उसी को उठा करके ले आते सीधे सीधे और उसी को लागू कर देते, लेकिन नहीं हो सकता। इतनी विविधतापूर्ण समाज था हमारा देश, कि जहां शायद अगर उस धर्मनिरपेक्षता को लागू किया जाता तो एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता। एक तो वैसे समस्या, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, और उसमें अगर ऐसी चीजों को पूरी तरीके से दबा दिया जाता कि धर्मनिरपेक्षता मतलब सरकार कोई एक कदम नहीं उठाएगी, तो कहीं ना कहीं स्थितियां पश्चिमी देशों की तरह भारत में समझदारी शायद नहीं थी। तो एक समस्या भी थी, चुनौती भी थी, खैर जो भी जिस तरीके से रखा गया, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां उत्पन्न होना शुरू हो गई। और वो चुनौतियां किस रूप में दिखाई पड़ी, लिखिए एक एक करके। पहला, धर्म स्वयं ठीक, इसका मतलब क्या है, धर्म निरपेक्ष अगर होना है तो धर्म का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए।
और अगर धर्म है तो धर्म निरपेक्षता के समक्ष बाधाएं हमेशा रहेंगी, कुछ भी हो जाए। समझ में आया? किसे नहीं समझ में आया? लगता है सबको समझ में आ गया। अच्छी बात है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। धर्म स्वयं का मतलब क्या है कि हम जानते हैं, हम लोग, हमारा देश क्या है, बहु धार्मिक है। चलिए, क्यों एक आध दो लोग मिल रहे हैं, एक आध लोग मिल गए कि जो नहीं समझे, तो उनके लिए मैं फिर से बताऊं। धर्म स्वयं का मतलब क्या है कि हम लोग चर्चा करते रहते, देखिए कि हमारा देश क्या है, बहु धार्मिक है। और अगर धर्म का अस्तित्व होगा तो आप सोचिए क्या उसमें धर्म निरपेक्षता होगी? कहीं ना कहीं धर्म से तो व्यक्ति जुड़ा रहेगा, और अगर धर्म का प्रभाव है तो धर्म से व्यक्ति जुड़ा रहेगा, और धर्म से जुड़ा रहेगा तो धर्म निरपेक्षता शायद ही दिखाई पड़ जाए। तो ऐसी अवस्था में धर्म स्वयं ही क्या है? धर्म निरपेक्षता के समक्ष एक चुनौती है या बाधा है? ठीक, एक चुनौती या बाधा स्वयं ही है। हाँ, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। जया जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल सही, यही चीज हम कैसे कह रहे हैं कि जब अगर बास रहेगा तो बांसुरी तो बजनी बजनी है, तो वही स्थिति है, सेम है ना। नेक्स्ट लिखिए, राजनीत, धर्म पर राजनीत, ऐसे लिख लीजिए, धर्म पर राजनीत। ठीक, धर्म के आधार पर अगर राजनीति की जाएगी तब भी धर्म निरपेक्षता नहीं आएगा। पिछला सांप्रदायिकता का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़े, उसमें राजनीति और धर्म का क्या मिलन रहा है, कैसे एक दूसरे को गले में लपेट के चलते हैं। तो राजनीति क्या है ना, कहीं ना कहीं राजनीति अगर धर्म के आधार पर किया जाएगा तो धर्म निरपेक्षता कमजोर रहेगी या अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट, सांस्कृतिक प्रतीक, सांस्कृतिक प्रतीक, ठीक, सांस्कृतिक प्रतीक का मतलब क्या है? धर्म संस्कृति है, और संस्कृति के अंदर उसका प्रतीक कोई चंदन लगा करके घूम रहा है, चुरकी रख करके, चुरकी समझते हैं ना, ये पीछे थोड़ा सा इतना मोटा से रख दीजिए, कोई दाढ़ी रख के चल रहा है, टोपी लगा के, है ना, तो कोई पगड़ी बांध के चल रहा है, ओ जी तुसी की कर रहे हो, है ना। तो ये चीज क्या, सांस्कृतिक, उसकी लैंग्वेज भी है ना। और उधर पता चल रहा है फला है पादरी साहब, जो लंबा कुर्ता वो पहन के चल रहे हैं, मतलब वो कुर्ता नहीं कहेंगे उसको, जो भी कहेंगे उनका सूट वूट जो भी है। तो ये जो धार्मिक प्रतीक है, सांस्कृतिक प्रतीक, ये भी क्या करता है, जो धर्म निरपेक्षता की भावना है उसको कमजोर करता है ना। कहीं ना कहीं ये चीजें समाज में धर्म को बढ़ावा देती है, और जब धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो धर्म निरपेक्षता क्या होंगी, कमजोर होंगी। ठीक, नेक्स्ट, अशिक्षा, या ऐसे लिखिए, अशिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा का, अशिक्षा तथा आधुनिक शिक्षा का, शिक्षा की कमी। या उसी में और लिख लीजिए, या परंपरागत शिक्षा पद्धति, परंपरागत धार्मिक शिक्षा पद्धति, जैसे जैसे मदरसे, गुरुकुल, कॉन्वेंट, मदरसे, गुरुकुल, कॉन्वेंट आदि। ठीक, शिक्षा पद्धति अगर ये सब रहेंगे तो कहीं ना कहीं धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा, और धर्म को बढ़ावा दिया जाएगा तो धर्म निरपेक्षता, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट्स जो होते हैं, कॉन्वेंट्स ये क्रिश्चियंस के जो स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं, कॉन्वेंट्स जो
जिसको सुन के माँ बाप बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे हमारा लड़का तो आज अंग्रेजी बोला, अब हमसे हमारी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी है नहीं, है ना। बच्चा गया स्कूल में और उधर से आया, हेलो मम्मी, एक बार बोला हेलो पा, अब वो फूला नहीं समा रही, वो 4 बार जब तक किसी को बता ना दे तब तक ना तो खाना बनेगा ना कुछ और घर घर का काम होगा ना किसी और जगह दिमाग जाएगा। आज तो सब सफल हो गया, जितना कमा के लगाए थे कॉन्वेंट में पढ़ाई, बच्चा अंग्रेजी बोला, सब सफल। ठीक, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो मिशनरीज हैं कॉन्वेंट के थ्रू अगर हम कहें तो डायरेक्ट मिशनरीज काम करती हैं, और मिशनरीज जो काम करती हैं वो 3 M पे काम करती है, उसमें मनी, मेडिसिन और मिरेकल्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पुनः प्रवर्तनवाद के अंतर्गत, है ना। रिवाइवलिज्म जो होता है, रिवाइवलिज्म में पुनः प्रवर्तनवाद, और वो गतिविधि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होती है, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्षता, इसमें लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, पुनः प्रवर्तनवाद। रिवाइवलिज्म, पुनः प्रवर्तनवाद, पुनः प्रवर्तनवाद का मतलब क्या है? अपने अपने धर्म को, ठीक है, पुनः प्रवर्तन, री इन्फोर्स करना, है ना, री इन्फोर्स करना, यानी उसी स्थिति में लाना जहां पे वो था। अगर अस्तित्व में उसके कमी आ रही है तो उसके अस्तित्व को बढ़ावा देना ही पुनः प्रवर्तनवाद होता है, ठीक है, सारे धर्मों में पाया जाता है। ठीक, तो अपने अपने धर्म को पुनः उसी अस्तित्व में लाने की जो चेष्टा है, पुनः प्रवर्तन का माध्यम जो है ना, वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का काम करती है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, धर्मांतरण का मुद्दा, धर्मांतरण का मुद्दा, हाँ अभी भी चल रहा है, पहले भी चल रहा था, ये जो आप तालिबान देखते हैं ना, ये पुनः प्रवर्तनवाद का ही एग्जाम्पल, तालिबान जो हुआ था, ये जो हाईजेक हुआ था, जो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था अमेरिका का गिराया गया, ये सब उसी न, कहीं ना कहीं ये सब उसी का ही परिणाम है ना, जो अमेरिका का अफगानिस्तान में आकर के सैनिक कब्जा है, जब आप इसको देखते हैं, या फिर ये जो क्या नाम है, अफगानिस्तान से लेकर के, और ये ईरान इराक का जो द्वंद है, और अमेरिका के साथ इजराइल से लेकर के यहां तक की जो स्थिति है, ये सब कहीं ना कहीं पुनः प्रवर्तनवाद का ही स्वरूप होता है। रिवाइवलिज्म डेफिनेशन मैंने बताया, पुनः प्रवर्तनवाद, इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया पुनः प्रवर्तन में, कि अपने अपने धर्म को पुनः उसी अस्तित्व में लाना जहां पर उसका आधार हुआ करता था, यानी कि लोगों में क्या हो, अपने धर्म को लेकर के चेष्टा हो, और उसका उसके धर्म का अस्तित्व सर्वोपरि हो, ठीक है, अपने धर्म को बढ़ावा देना एकदम, मतलब उसको चरम पे ले जाना, यही पुनः प्रवर्तन, पुनः प्रवर्तन यानी री इन्फोर्स, उसी स्थिति में ले जाना जहां उसकी उत्पत्ति थी, जहां लोग उसको मानते थे, और जिस तरीके से उसकी स्वीकारता थी, उसमें किसी और चीजों को, यानी अन्य चीजों का हस्तक्षेप नहीं होना, तो वही पुनः प्रवर्तनवाद। ठीक, नेक्स्ट, हाँ सरकार का जो बढ़ावा देना आप जो बोल रहे हैं वही है राजनीति, है ना, हाँ धर्मांतरण में हो सकता है, लव जिहाद हो सकता है, लव जिहाद भी इसमें हो सकता है। देखिए, आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने पॉइंट्स मिलते जाते हैं। प्रोटेस्टेंट जो है, ये धर्म अलग धर्म है, प्रोटेस्टेंट अलग धर्म है, ठीक है, वो क्रिश्चियंस में आता है, एक धर्म अलग है, तो उसमें अगर प्रोटेस्टेंट का आप नहीं कह सकते। नेक्स्ट लिखिए, अब देखिए, एक अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला है, ठीक, इसको तब लिखिए बोलिए
जब आपके पास इसको सेव करने, यानी इसके लिए आपको किसी के साथ आप जब सामने बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो इससे अपने आप को सेव करने के लिए आपके पास व्यापक तर्क हो, तभी इसको लिखिएगा या बोलिएगा, नहीं तो मत बोलिएगा, क्योंकि डिस्प्यूट है। ठीक, इसमें लिखिए नोट, एकदम लिख लीजिएगा नोट करके इसको, आपको समझना, अगर समझ में आ जाता है तब तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर इसमें दिक्कत भी हो जाएगी। लिखिए, आर्टिकल, एक मिनट, हाँ बात मैं कर रहा, थोड़ा सा उसमें कुछ वो था, सॉरी। इसके लिए जो अभी मैं तो इसमें आर्टिकल 25, 26, 27, 28 और 29 में क्लियरिटी ना हो, ठीक, इसको परिभाषित करना अगर कहा जाए तो इसकी क्लियरिटी यानी पूरी तरीके से स्पष्ट ना होना, ये भी इसके समक्ष एक चुनौती है। लेकिन ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये तभी आप बोलिए जब इसको आप क्या कहते हैं उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास पूरे ताकत हो, क्योंकि संवैधानिक मुद्दा है और संविधान का विरोध यानी संविधान के किसी उसका विरोध आप नहीं कर सकते, है ना, आपको नहीं करना है, बट इसको किस रूप में कहना है कि यानी स्पष्ट ना होना, स्पष्ट ना होना, अरे पूरा धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धर्म का जो अधिकार है ना आपका, तो पूरा 25, 26, 27, 28, 29 जो है ये पूरा, क्योंकि देखिए अब यहां थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि एक तरफ तो हम प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता को मानते हैं कि देश क्या होगा, हमारा पंथ निरपेक्ष होगा, और दूसरी तरफ हम धर्म के अधिकार को देते हैं, राइट टू रिलीजन देते हैं, तो रिलीजन अगर दे रहे हैं तो धर्म निरपेक्षता कहीं ना कहीं दोनों के बीच स्थिति क्या हो रही है, अपने आप में कंट्रोवर्शियल दिखाई पड़ता है ना, एक लिमिट में ही दिखाई, लेकिन दिखाई पड़ेगा। अगर हम धर्म का अधिकार देंगे तो धर्म निरपेक्षता कैसे, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कुछ सोचा गया और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया। ठीक, अब 25, 26, 27, 28 आप धर्म को अबाध रूप से मानिए, आप धर्म को अबाध रूप से मानिए, बिल्कुल सही है, आप मानिए, व्यक्तिगत जीवन में सर राज्य का नहीं होगा कोई धर्म, व्यक्ति के लिए राइट है, जो यहां के नागरिक है उनके लिए क्या है, राइट्स है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से आप मानिए। अब जब अबाध रूप से मानेगा व्यक्ति तो धर्म के प्रति कहीं ना कहीं झुकाव भी होगा, और जब धर्म के प्रति झुकाव होगा तो उसके जीवन में धर्म निरपेक्षता आएगी, यानी बड़ी मुश्किल, बड़ा मुश्किल प्रश्न है, हो सकता है आ जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अबाध रूप से मानने के बाद धर्म निरपेक्षता आएगी। ठीक, संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं संगठनों का निर्माण करना, धार्मिक शिक्षा, इन सारी चीजों को मान्यता देना, उसके नाम पे फंड को इकट्ठा करना, है ना, अल्पसंख्यक की भी 29 में, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक को भी बताया गया, लेकिन पूरी तरीके से अल्पसंख्यक किस आधार पे होंगे ये भी परिभाषित नहीं, केवल दो आधार पे अल्पसंख्यक है, उसमें शिक्षा और वो संख्या और क्षेत्र के आधार पे। ठीक, तो ये दोनों चीजें यानी ये आर्टिकल अपने आप में कहीं ना कहीं, अब अगर आप बोल दिए तो इसके लिए पूरा आपके पास, इतना आपके पास तर्कस में इतनी तीर होनी चाहिए कि इसको आप डिफेंड कर पाए, तभी इसको लिखिए और बोलिए किसी के सामने, नहीं तो मत बोलिए, है ना, समझ में आ रहा है, इस पे सोचिएगा, पॉलिटिकल जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें इसको और डिफाइन किया जाएगा, 25, 26, 27, 28 सारी चीजों को, और उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के साथ कंपेरिजन करिएगा, जोड़िएगा। ठीक,
तब आपको ये चीजें और क्लियर पता चलेंगी। तो कहीं ना कहीं इसकी भी पेपर में नहीं लिखा है या लिखना है, क्या बोलना चाह रहे हैं? पेपर में नहीं लिखा है या पेपर में नहीं लिखना है? हाँ, लिखना नहीं है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, लिखिएगा नहीं। अगर लिखिएगा तो इसको थोड़ा सा तार्किक होकर के दीजिएगा। आप लिख भी सकते हैं वहां पेपर में, अब सामने वाले के ऊपर है, ये रिस्क वाला है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे रिस्क, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप रिस्क लेना चाहें तो आप पेपर में लिख दीजिए। वैसे अच्छा पॉइंट है, अगर सामने समझदार होगा कोई मेरी तरह, ठीक, मतलब कि अगर कोई ऐसा, वहां लगभग समझदार ही होते हैं कोई ऐसा हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है वो समझ रहा है 25, 26, 27, 28, 29 की अस्पष्ट होना, तो तुरंत क्या करेगा, आपको इसी पे मार्किंग भी अच्छा दे देगा। लेकिन कहीं पूर्वाग्रह से कोई पीड़ित व्यक्ति बैठा होगा तो रिस्क भी उतना है, तो खैर रिस्क उठा सकते हैं, और बिना रिस्क के नो रिस्क नो गेन, है ना? कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, तो कर सकते हैं। और इंटरव्यू में भी अगर कभी आपके साथ कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ, तो वहां भी आप इसको बोलिए, तो अच्छा होगा, आपको इसी में उलझा के रखेंगे और 10-15 मिनट निकल सकता है आराम से। डिस्प्यूट वाला होता है ना, तो यहाँ 10-15 मिनट, और खूब तर्कस में तीर रख के जाइए, सोच के कि अगर अगर ये पूछा गया तो फिर हम खूब अच्छे से बताएंगे। वही तो मैं बोल रहा था कि असंवैधानिक होना, है ना सूरज जी, असंवैधानिक होना ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्यूट का मुद्दा है, तभी इसमें आइए, तब जब आपके पास खूब अच्छा, आपके पास इसको डिफेंड करने का हो, और जब पढ़ेंगे आप तो हो जाएगा, आपके पास तर्क हो जाएंगे, क्योंकि सही चीज बोलेंगे आप, और सही चीज के सामने सामने वाले को झुकना भी पड़ेगा। ठीक, ये तो लास्ट पॉइंट यही है कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 का स्पष्ट ना होना। अब किस रूप में, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अगर कहा जाए तो, ठीक, पढ़िएगा आज जाकर के 25, 26, 27, 28, 29 पढ़िएगा, और फिर धर्मनिरपेक्षता पे इसकी तुलना करिएगा, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ स्पष्ट इसमें समझ में आएगा कि आखिर क्या है। आप वैसे सिंपल सोचिए, देखिए देश के समक्ष जो चुनौती थी वहां तो धर्मनिरपेक्षता हमारे साथ होना जरूरी था। हाँ अरविंद जी, टाइम इज ओवर, है ना, तो होना वो आवश्यक। उस समय भारत की परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस चीज के लिए गवाही दे रही थी कि धर्मनिरपेक्ष होना हमारे लिए, लेकिन एक समय के साथ या तो आप 25-26 इसको हटाना हटा दिया जाता, या फिर उसको स्पष्ट किया जाए, तो धर्मनिरपेक्षता को हम पूरी तरीके से लागू कर सकते हैं। कोर्स लगभग हो गया है आपका, अभी सामाजिक सशक्तिकरण बचा है, तो हम लोग मंडे, अभी इसका हम लोग थोड़ा सा कंक्लूजन और पश्चिमी और जो भारत का प्रभाव है उसको भी देखेंगे, ठीक है, भारत और पश्चिमी जो कंपेरिजन है, कल नहीं है, कल सैटरडे है ना, कल तो क्लास नहीं है आपने, तो मंडे को क्लास होगा, और मंडे को हम लोग जो इंडियन और वेस्टर्न, ठीक है, सेकुलरिज्म है, उसका जो इम्पैक्ट है किस तरीके से दोनों में डिफरेंस, उसको भी उस पर चर्चा करेंगे, और इसका कंक्लूजन थोड़ा सा देखेंगे, और इसके साथ साथ फिर सोशल इम्पावरमेंट पे आएंगे, और सोशल इम्पावरमेंट आपका लास्ट टॉपिक इसका होगा। ठीक, अच्छा, सुबह रहती है, कोई बात नहीं, ये वाली क्लास नहीं रहेगी आपकी, सैटरडे संडे दोनों दिन, मंडे को हम लोग मिलते हैं। हाँ, लिख लीजिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन दो बार पूछा है आप में, आपके इसमें यूपीएससी ने दो बार क्वेश्चन पूछा है, पश्चिम और भारत में धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद किस प्रकार, यानी भारत में धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, ये क्वेश्चन दो बार पूछा है, ठीक, तो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोगों के समझ में जो चीजें, कोई क्वेश्चन होगा तो उसको पूछिएगा, दो दिन आपके पास समय है, अच्छे से रिवीजन करिए।
चलिए मैंने कुछ तो बताया था आप लोगों को, यही क्वेश्चन लिख लीजिए या ऐसे करिए, क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। भारत में आधुनिकीकरण के साथ साथ आधुनिकीकरण के साथ साथ जिन पश्चिमी मूल्यों का आगमन होता है, जिन पश्चिमी मूल्यों का आगमन होता है, उसने किस प्रकार भारतीय समाज में उसने किस प्रकार भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करने का काम किया? तर्क सहित स्पष्ट करें, तर्क सहित स्पष्ट करें। 250 शब्द में लिखना है, ठीक। मोस्ट वेलकम एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि।